बिहार के ठेकेदार से 26 लाख की लूट का मामला सोची समझी योजना के तहत शिकार बनाया गया। चंदन सिंह को चैन माउंटिंग मशीन बेचने के नाम से लूट हुई। महानगरों की तर्ज पर रीवा में भी एक सनसनीखेज ठगी का मामला सामने आया, जिसमें चैन माउंटेन मशीन को बेचने के लिए बकायदा आधुनिक तरीके का सहारा लिया गया। वेबसाइट पर उसकी बिक्री संबंधी विज्ञापन डाले गए, जिस पर बिहार के रहने वाले ठेकेदार चंदन कुमार सिंह पिता बलदेव सिंह शिवपुरी बक्सर ने दिलचस्पी दिखाई और उसे खरीदने के लिए बातचीत की। 13 जुलाई को उनकी बातचीत मोबाइल नंबर 8737054135 से संतोष मिश्रा नामक व्यक्ति से हुई, जिसमें संतोष ने कहा टाटा हिताची मशीन टाटा जैक्सिस मशीन बिकाऊ है, जिसकी फोटो भी उसने व्हाट्सएप के माध्यम से चंदन सिंह को भेजी। मामला 26,50,000 रुपये में तय हुआ। संतोष मिश्रा ने एक महिला दयमंती मिश्रा से उनकी बात कराई, 50,000 उन्होंने देने के लिए कहा। साथ ही मशीन देखने रीवा आए संतोष मिश्रा के पार्टनर अनिल मिश्रा के साथ, जिन्होंने बनकुइया में राजीव कुमार पांडे के क्रेशर में खड़ी मशीन दिखाई। चंदन का कहना है मुझे रीवा में एक आदमी से मिलाया गया और कहा गया यह मशीन के मालिक राजीव पांडे ग्राम अतरौली पोस्ट सुमेधा हैं। मशीन की डिलीवरी के लिए वह एक होटल में रुक गया। तथाकथित राजीव कुमार पांडे ने एक बिक्री नामा भी लिखवाया। राजीव जिस कार से आया था वह मारुति डिजायर MP17 CC 2723 थी। राजीव ने मुझसे अकाउंट की जगह पैसे की मांग की। अनिल कुमार मिश्रा से बात करने के बाद उन्होंने 26 लाख रुपए नगद दे दिए। उसके बाद से ही राजीव गायब हो गया। चंदन के अनुसार राजीव की उनसे फ़ोन नंबर 9644754135 पर बातचीत हुई थी। जब वह राजीव के घर पहुंचे तो उन्हें वहां पर दूसरे राजीव मिले। चंदन पूरे मामले की शिकायत लेकर रीवा के सिविल लाइन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले पर हमने चंदन से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनके साथ 26,50,000 के रुपए की लूट किस तरीके से हुई। मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है और मैं युवा में एक मशीन पोकलैंड मशीन की सौदा करने के लिए आया था, जिसमें मेरे साथ दो तीन लोगों ने मिलकर चीटिंग किया और गलत पार्टी को खड़ा कराकर पोकलैंड मशीन के गलत मालिक को खड़ा कराकर ऐसा ठगी कर ली गई। कितना लगभग ठगी? 26 लाख रुपये और 50,000 रुपये अकाउंट से। 26,50,000 रुपये। तो वो रहने वाले यहीं रीवा के हैं कि कहाँ के? जो ब्रोकर मेन है वो उसको मैं जानता हूँ, वो रहने वाला सुल्तानपुर का है। और जो पैसा जो पार्टी खड़ा किया था, जो पोकलैंड मशीन के नाम पर पार्टी जो खड़ा किया था, उसकी मुझे ट्रेस नहीं है। उसका चेहरा है, फोटो है, सारा मेरे पास डिटेल है। यहाँ वृंदावन में मैं रुका था तो यहाँ भी सारे CCTV फुटेज वो आया है। जो ब्रोकर है उसका भी फुटेज आया है, सारे चीज़ हैं यहाँ पर। वो जिस होटल में ब्रोकर और जो ये ठगी करने वाले लोग जहाँ रुके थे चारों पांचों लोग, वहाँ भी सब उसका डिटेल्स फुटेज अवेलेबल है। और मेरा FIR लॉज नहीं हो रहा है यहाँ पर सिविल लाइन थाने में। सिविल लाइन थाने में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बक्सर के रहने वाला हूँ, देवकली में। ये घटना कब की है? ये घटना ये 19 तारीख को है। ये घटना पहले से 13 तारीख से ही प्री प्लान्ड है। पहले से ही ये लोग हमको जब से ये फ़ोन किए हैं पहले से ही यहाँ पर रह रहे हैं ये लोग। जैसा कि मैंने अपने स्तर से पता किया, 11 तारीख से ही यहाँ रह रहे हैं। यहाँ घटना का सुनियोजित ढंग से बना रहे हैं व्यवस्था और रह कर सब अपना सेटल किए थे। मैं यहाँ 17 तारीख को आया, 18 तारीख को मैंने डीलिंग नहीं की, 19 तारीख को मैंने डीलिंग की और पैसा लेन देन किया। बाकायदा वो लोग एग्रीमेंट भी बनाया, लेकिन वो व्यक्ति ही फर्जी निकला।